खबरें के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे कल्याण सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार, और अंतिम संस्कार को लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। बुलंदशहर के नरोरा तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अमित शाह समेत कई नेताओं के पहुंचने की संभावना। छावनी में तब्दील हुआ बुलंदशहर, तो बुलंदशहर के नरोरा गंगा घाट पर अंतिम संस्कार, और अंतिम संस्कार में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना, और उसी के तहत प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। अलीगढ़ से काफिला बढ़ता हुआ, तो उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया जा रहा है, तो अतरौली ले आए लाया जा रहा है। तो बता दें कि आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा अलीगढ़ से आगे बढ़ती हुई उनके पैतृक गांव तक पहुंच रहे हैं। और आपको ग्राफिक्स के जरिए पूर्व सीएम कल्याण सिंह के जीवन के बारे में बताते हैं। तो मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, कल्याण सिंह ने क्या कहा था वो बड़े बयान हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। राम मंदिर का कार्य मेरे जीवन काल में ही शुरू होगा, और जो उन्होंने कहा वो कहीं ना कहीं सच भी साबित हुआ। मीर बाकी ने हिंदुओं का अपमान करने के लिए राम मंदिर तोड़ा था, तो कल्याण सिंह ने क्या कहा था ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। शायद ये तय महत्वपूर्ण रहा। राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर भी कल्याण सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो बीजेपी को यूपी में ताकतवर बनाया, तो बीजेपी को यूपी में ताकतवर बनाने वाले कल्याण सिंह ही थे। बीजेपी को प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर यहां पर उनके रहते मिला, तो कल्याण सिंह की ये उपलब्धियां हैं जो आपको हम समझा रहे हैं। तो नकल अध्यादेश लाए, नकल करने को अपराध माना गया, तो ये वो महत्वपूर्ण उपलब्धियां, वो महत्वपूर्ण कदम यहां पर उठाए गए। संगठित
अपराध रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी कल्याण सिंह की तरफ से किया गया। समूह ग के लिए 1,00,000 भर्ती की परीक्षा। कल्याण सिंह की ये वो उपलब्धियां जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो पिछड़े वर्गों के हितों के लिए आवाज बने कल्याण सिंह, एक इसमें भी अपनी अहम भूमिका निभाई। तो राज्य के घटनाक्रमों से राष्ट्र राजनीति में छाए रहे कल्याण सिंह। तो बीजेपी को यूपी में उन्होंने ताकतवर बनाया। कल्याण सिंह की ये वो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हम आपको बता रहे हैं। उनका राजनीतिक सफर भी बेहद खूबसूरत यहां पर रहा और जो भूमिका उन्होंने निभाई, जो उनका अनुभव है, उसको कभी, उसकी ये क्षति जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो ये वो उपलब्धियां हैं जो कल्याण सिंह की तरफ से हासिल की गई। ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।